Write a program to find the sum of following series. एक सीरीज हमारे पास है, सपोज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and up to 10. So we have to write a Python program which find out the sum of this series. So how we can do this? So देखिए, हम ये नंबर तो हमारे जनरेट हो ही रहे, हम ऑब्वियसली हम यहाँ पर लूप को यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे ताकि 1 to 10 नंबर तक मेरे पास जनरेट हो जाएंगे. तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लूप बनाऊँगा फॉर आई इन रेंज 10 और इसको मैं चलाऊँगा 1, 11. तो ये लूप मुझे क्या देगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर देगा. अब मुझे क्या करना है, हर नंबर का सम करना है, इंडिविजुअल सम करना है और उस सम को फिर मुझे डिस्प्ले करना है. तो एक वेरिएबल मैं लेता हूँ सम और उसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ सपोज 0 से. और यहाँ पर आप लॉजिक को देखिएगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई. और फिर इस लूप के जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, सम ऑफ सीरीज इज सम. तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है. अगर आपको देखिए, बार बार मैं क्या चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू 1 होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई. मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट साइड का एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगा. मतलब 0 + 1 मतलब सम के अंदर 1 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 आएगी पहले से. तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये बच्चों चलेगा. चलिए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो सबसे पहले देखिए क्या होगी, आई की वैल्यू मेरे पास 1 होगी. तो आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या आएगा, सम इक्वल टू सम. सम मतलब इसकी पुरानी वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 1, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम. अब सम मतलब इसकी पुरानी वैल्यू कितनी थी, 1 थी इसकी वैल्यू, यहाँ पर आएगा 1. और अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. फिर आई की वैल्यू जब 3 होगी तो सम इक्वल टू सम, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3. सो 3 + 3 मतलब इसके अंदर 6 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली जब आप इस लूप के बाहर आएंगे तो सम के अंदर सारे एलिमेंट का सम आपको मिलेगा. सो लेट्स सी, द सम ऑफ द सीरीज इज 55. तो जब आप इसका, जब आप सम करेंगे, जो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 up to 10, तो इसके जो सम होगा वो 55 ही होगा. सो दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड द मैजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट कि अगर आप यहाँ पर 11 की जगह पर अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 101 कर दूँ, तो सिंपल ये मुझे 1 से लेकर 100 तक के नंबर का सम दे देगा. और अगर मैं इसको 501 कर दूं तो ये मुझे 1 से लेकर 500 तक के नंबर का इंडिविजुअल सम दे देगा. और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज विच स्टार्ट फ्रॉम 50 to 100, तो 50 to 101 का अगर मुझे सम निकालना है तो 50,101 दे दूंगा तो उसका सम मिल जाएगा. तो आप देखिए, हमने लॉजिक एक सिंपल बनाया और लूपिंग का जो मैजिक है वो क्या हो रहा है कि हम लगभग जितने भी पैटर्न बनते हैं उन सब पैटर्न के लिए सिंपल, अगर एक एक सीक्वेंस में नंबर मुझे मिल रहे हैं तो सबका मैं यहाँ पर सम निकाल पा रहा हूँ. सो दिस इज़ द मेन यूज ऑफ लूपिंग, दिस इज़ द मेन यूज ऑफ लॉजिक, कि हम लॉजिक एक कॉमन बनाते हैं और हर जगह पर वो काम करते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन ये होता, ये तो इसका सोल्यूशन ये हो गया. अगर मैं कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 51, 52, 53, 54, 55 and up to 100, इसका मुझे सम निकालना है, तो सिंपल क्या बनेगा, यही प्रोग्राम बनेगा. बस सिंपल जो नंबर मेरे जनरेट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, 51 से हो रहे हैं. और कहाँ तक मुझे करने, 100 तक करने, तो इसको मैं 51,101 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा.